हमारे लिए आज की तिलावत हिस्कियाल नबी की किताब 43 बाब उसकी पहली आयत से 7वीं आयत तक। फिर वह मुझे फाटक पर ले आया, यानी उस फाटक पर जिसका रुख मशरिक की राह की तरफ है, और क्या देखता हूँ कि इसराइल के खुदा की तजल्ली मशरिक की राह की तरफ से आई, और उसकी आवाज़ आबे कसीर के शोर की सी थी, और ज़मीन उसकी तजल्ली से मुनव्वर हो गई। और जो रोया मैंने देखा वो उस रोया की तरह था जो मैंने उस वक्त देखा था जब खुदावंद शहर को बर्बाद करने आया था, और वो तफसीलन उस रोया की मानत था जो मैंने नहरे कबार पर देखा था। तब मैं मुँह के बल घिरा और खुदावंद की तजल्ली उस फाटक की राह से घर में दाखिल हुई जिसका रुख मशरिक की राह की तरफ है, और रूह ने मुझे उठा लिया और मुझे अंदरूनी सहन में पहुँचा दिया। तो क्या देखता हूँ कि खुदावंद की तजल्ली ने घर को पुर कर दिया, और मैंने घर में से किसी को अपने साथ कलाम करते सुना, और वह शख्स हनूज मेरे पास खड़ा था, और उसने मुझसे कहा कि आए इब्ने बशर, तूने मेरी तख्तगाह और मेरे पाँव के तलवों की जगह को देखा है जहाँ मैं बनी इसराइल के दरमियान हमेशा के लिए सुकूनत पजीर हूँगा, और इसराइल के घराने के लोग क्या रियाया क्या बादशाह अपनी जनाकारी और अपने शाही सतूनों और अपनी ऊंची जगहों से फिर मेरे कदूस नाम को दाग ना लगाएंगे। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो।